साइज ऑफ द नाभिक का जो साइज है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, उस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और उसके बाद में अपन जो टूल्स हैं उसको यूज लेते हुए इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज जो समझनी है वो ये कि किसी भी वस्तु की साइज को अगर आपको समझना है या देखना है तो इन जनरल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज कोई मोबाइल है, ठीक है, तो इस मोबाइल की साइज को आप कैसे देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? आप मान लीजिए लाइट है ही नहीं और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो क्या ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू लाइट। और कौन सी लाइट है? विजिबल लाइट, जिसको कि दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो जो विजिबल लाइट है, अगर वो लाइट किसी वस्तु पर गिरती है तो उस लाइट का रिफ्लेक्शन और वो हमारे ब्रेन को, जब आंखों के थ्रू ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट जो है ये इससे टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है तब हमें वो वस्तु दिखती है, यानी जहां जहां से वो लाइट टकरा के आ रही है वहां वहां पर जो है हमें वस्तु होने का आभास होता है, और हमें वो वस्तु का आकार साइज वगैरह सब देख पाते हैं। तो ये जो लाइट है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बड़ा है तब तो ये लाइट टकराएगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इतना छोटा कि लाइट उससे टकरा के वापस नहीं आ सकती है ना, तो क्या वो वस्तु हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु के द्वारा वो लाइट क्या हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो, यानी कि बाधित हो। यहाँ देखिए जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है और विजिबल लाइट का वेवलेंथ आपको पता ही है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब ये वस्तु अगर इस रेंज की है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम या इससे बड़ी, तो क्या होगा? लाइट इससे टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो हमें जो इससे जो समझने में आ रहा रिजल्ट जो हम कह सकते हैं वो ये कि भाई एक टूल हो सकता है किसी बड़े ऑब्जेक्ट को जिसके कि साइज एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम है, उस वस्तु की साइज को पता लगाने का एक अच्छा टूल है विजिबल लाइट। क्या अगला प्रश्न यह है कि क्या ये लाइट यूज आ सकती है नाभिक का आकार निकालने के लिए? तो इसका आंसर है नो। उसका कारण क्या है कि जो नाभिक का जो आकार है वो बहुत छोटा है, और वो आपको पता है 1 फेमटोमीटर या 10 फेमटोमीटर बड़ा नाभिक है, तो इस साइज का है। तो अगर मान मीटर या मान लीजिए 10 फेमटोमीटर है तो 10^-14 मीटर, और ये कितना हो गया? 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 10^-10 का 10 मीटर की रेंज का, और उसमें भी 4000 है, तो ये 10^-7 -8 के आसपास पहुंचेगा। तो ये वाली जो वेवलेंथ है उससे बड़ी है, यानी कि अगर कोई चीज छोटी है और उससे कोई बड़ी चीज टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी। तो कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को निकालना है तो जो वेवलेंथ है लाइट की वो उस ऑब्जेक्ट से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो क्या ये न्यूक्लियस की साइज को डिटरमाइन करने का कोई तरीका हो सकता है विजिबल लाइट? तो आंसर है नहीं, यानी विजिबल लाइट की सहायता से हम न्यूक्लियस की साइज को नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या साउंड से निकाल पाएंगे? तो फिर से वही बात कि साउंड जो है, अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो देखो वो कितनी होती है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और वेलोसिटी बात करें तो 340 मिली मीटर पर सेकेंड। तो आप इसका वेवलेंथ निकालो, साउंड का वेवलेंथ फॉर्मूला ये है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो आपको मिलेगी ये 30 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि ये तो विजिबल लाइट से बड़ी है। तो क्या न्यूक्लियस को डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव यूज आ सकती है? नहीं आ सकती, कारण क्योंकि ये देखो इसकी साइज बड़ी है और नाभिक की साइज मैंने बताया आपको 10 फेमटोमीटर के अराउंड है, तो इसका मतलब हुआ कि साउंड भी यूज नहीं आ सकता है ना, क्योंकि देखो साइज ऑफ द एटम, इवन एटम भी तो 10^-10 मीटर, एटम की साइज को फाइंड करने के लिए भी आप लाइट का भी यूज नहीं ले सकते। देखो लाइट की वेवलेंथ आपको बताई थी 4000 एंगस्ट्रॉम में, तो 10^-7 की रेंज का आएगा, 10^-8 मीटर की रेंज का आएगा, क्योंकि साइज ऑफ एटम 10^-10 मीटर भी, और न्यूक्लियस की साइज तो और ही कम है 10^-15 मीटर की रेंज का। तो लाइट और साउंड जो है वो यूजफुल टूल नहीं है किसी भी नाभिक या एटम की साइज निकालने का। फिलहाल हम फोकस नाभिक पे कर रहे हैं। तो कौन से टूल यूज आ सकते हैं?
तो कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, वो टूल या वो वेव या वो पार्टिकल जिससे जुड़ी हुई वेव की जो वेवलेंथ है वो न्यूक्लियस की साइज से कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसकी साइज को हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम ये निकाल सकते हैं? तो क्या आपने आपने पढ़ा ही होगा एक्सरे गामा रेज, क्या हम इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं न्यूक्लियस की साइज? तो फिर से आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एक्सरे और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी वो इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ही जो है ज्यादा होती है या इसकी वेवलेंथ से थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी ये इतनी छोटी नहीं है कि हम न्यूक्लियस की साइज से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक्सरे, गामा रेज, विजिबल लाइट या साउंड वेव या एनी अदर डिफरेंट टूल्स हम इसको यूज नहीं ले सकते। ठीक है, तो कौन सा यूज ले सकते हैं? तो ये मैंने जो लिखे हैं मेन मेन पॉइंट, इनका हम यूज ले सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो ये है कि देखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साइज देखो बहुत छोटी है। इलेक्ट्रॉन की साइज कहें कि एलिमेंट्री पार्टिकल है, और उसमें भी वो अगर फास्ट मूविंग है यानी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है तो वो कंसिडरेबल डिस्टेंस तक जा सकता है न्यूक्लियस के, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है और इससे इससे एसोसिएट जो वेव होगी, वेव जिसको कि हम डी ब्रॉगली वेव कहेंगे, क्योंकि देखो पार्टिकल है तो डुअल नेचर रखेगा, और डुअल नेचर है इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहेगी, तो उस वेव की वेवलेंथ जो होती है या तरंग दैर्ध्य जो होती है वो होती है लैम्डा। कैसे निकलती है इस फॉर्मूले से डी ब्रॉगली, अभी देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इसका हम यूज ले सकते हैं न्यूक्लियस की शेप साइज निकालने के लिए, और इसी प्रकार से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का भी हम यूज ले सकते हैं, या हाई एनर्जी आपका जो न्यूट्रॉन्स है उसका यूज ले सकते हैं। आपने अगर न्यूट्रॉन्स के ब्रैकेट में फास्ट मूविंग लिखा है, आपको पता है कि अगर स्लो मूविंग है या थर्मल न्यूट्रॉन है तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा, तो डिटेल आपको नहीं मिल पाएगी। आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन, फिशन में आप देखा होगा थर्मल न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यूरेनियम 235 या 238 पर जब इंसिडेंट होता है तो वो नाभिक उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर के बाद में वो जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वापस ग्राउंड स्टेट आता है तो वो या तो वापस न्यूट्रॉन में सॉरी वापस या तो गामा रेज निकालेगा या फिर वो दो लगभग बराबर भागों में टूट जाएगा। तो इसलिए न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। इसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का भी आपने केस नहीं के लिया है। अल्फा पार्टिकल्स में आपने ये देखा था कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी अल्फा पार्टिकल यूज लिया था। अल्फा पार्टिकल बेसिकली दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का, या हीलियम नाभिक है इसको, तो इसका यूज भी हम नाभिक की साइज निकालने कर सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटा पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ भी आप निकालोगे तो नाभिक की साइज के आसपास ही आएगी, उससे भी छोटा। इसी प्रकार से मेसॉन्स, ये आप पढ़े मेसॉन्स क्या चीज होती है, ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे बहुत, अभी तो ये शुरुआती है, ये बहुत लेट अपन पढ़ेंगे कि मेसॉन्स जो है उसका भी यूज ले सकते हैं, न्यूट्रॉन है, मेसॉन्स है, एनी अदर पार्टिकल्स जिसका कि जो साइज है वो बहुत छोटा हो उसका हम यूज ले सकते हैं। अब वापस बात करते हैं इसके पीछे की फिजिक्स क्या है कि हम इसको कैसे यूज ले सकते हैं। जैसे मैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी, यानी कि उसके साथ हमेशा एक तरंग जो है वो जुड़ी रहेगी। उस तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ एच हाइजेनबर्ग का जो है कांस्टेंट है और पी जो है मोमेंटम है। देखिए मोमेंटम है, मोमेंटम हमेशा मास का होता है, तो यहाँ पर एम इंटू वी, तो एच अपॉन एम इंटू वी, ये फॉर्मूला बना लैम्डा का। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना या किसी भी पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को यूज लेने पर हमें लैम्डा क्या मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा, और छोटा मिलेगा तो ऑब्वियसली कि वो जितना छोटा होगा लैम्डा उतना ही हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो लार्जर मोमेंटम और फास्टर वेलोसिटी हैज स्मॉलर में अगर जस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है एटसेट्रा ए वेरी हाई टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। अब देखो एनर्जी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला है क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां एम जीरो क्या रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, पी मोमेंटम है, सी लाइट का वेलोसिटी है।
अब आप ये देखेंगे कि जब हम रेस्ट मास निकालते हैं, रेस्ट मास एनर्जी निकालते हैं, रेस्ट मास एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की निकालो निकाल लो, जैसे फॉर्मूला पड़ा आपके पास एम जीरो सी स्क्वायर, एम जीरो की वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 किलोग्राम, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू द 8 मीटर पर सेकंड। जब आप उसको पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए इस छोटी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लगभग नेग्लिजिबल एनर्जी है, यहाँ पर हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लगभग टोटल एनर्जी की बराबरी ही होगी इस केस में। तो वेरी हाई वेलोसिटी पार्टिकल की बात करें, है ना, जब वी बहुत हाई होगा तो मोमेंटम भी हाई होगा, और जब मोमेंटम हाई होगा तो ये वाली टर्म जो है नेग्लिजिबल होगी, और टोटल एनर्जी लगभग काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी जो हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप लैम्डा निकालो, तो लैम्डा क्या आएगा, एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर सी से मल्टीप्लाई किया, नीचे सी से मल्टीप्लाई किया, तो एच सी अपॉन पी सी। अब आपने अभी देखा कि ई जो है, ई ये वाली टर्म तो होगी नेग्लिजिबल, तो ई बराबर हो गया के, ई बराबर के, के का मतलब क्या हुआ यहाँ पर पी सी, तो पी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिखूँ और के की जगह ई लिखूँ, तो ये हो गया पी सी की जगह हो गया ई, और एच सी ऊपर एच सी अपॉन पी। अब आप क्या करो, आपके पास एनर्जी जो है वो सीधा ही रिलेशन आ गया लैम्डा से, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी लैम्डा उतना कम होगा। अब आप मान लीजिए कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिसका की एनर्जी है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो यहाँ पुट कीजिए एच सी की वैल्यू आएगी, जब आप एंड वैल्यू पुट करेंगे तो 1240 यानी 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फेम्टोमीटर। तो आप इनको पुट करें और लैम्डा निकालें, तो ये लैम्डा जो है बहुत कम आएगा, अगर एनर्जी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है ज्यादा। तो हम जो एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज लेते हुए हॉफस्टेटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कि उसने न्यूक्लियस की साइज को डिटरमाइन किया था, तो उसने वहां पर जो एनर्जी यूज ली थी वो लगभग 420 और उससे भी ज्यादा 550 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का उसने यूज किया था। तो हम अगर ई की वैल्यू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रखें तो ये लैम्डा जो है डिग्री का हो जाएगा, ये न्यूक्लियस की हो जाएगा, तब हम जो है निकाल सकते हैं न्यूक्लियस की शेप वगैरह। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि जो साइज है न्यूक्लियस की वो अगर नहीं है, तो जो पार्टिकल आप यूज ले रहे हैं उस पार्टिकल की एनर्जी तो बहुत हाई होनी चाहिए, और उस पार्टिकल की साइज छोटी होनी चाहिए, और हाई एनर्जी होना फास्ट मूविंग भी होना चाहिए। और ये जो इतनी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हम प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है, इसका यूज, इसको प्राप्त करने का जो तरीका वो है एक्सीलरेटर, जो जैसे कि आपकी जो जिनेवा के अंदर जो सैम की लेबोरेटरी है, जहाँ पर आपने आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो है हिग्स बोसोन की खोज की गई थी, प्रोटॉन को जो है लगभग लाइट के बराबर वेलोसिटी से मूव कराया गया था। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करवाते हैं उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम बढ़ता रहता है, मोमेंटम बढ़ेगा तो आपने यहाँ से देखा कि एनर्जी बढ़ेगी और इस तरह से लैम्डा घटेगा। तो हॉफस्टेटर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में जो है एक्सीलरेटर यूज किया था, और उसने वहां पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को प्राप्त करके जो है नाभिक के ऊपर उसने इंसिडेंट कराया था, और स्कैटरिंग के रिजल्ट से उसने एनालिसिस किया था। तो ये हॉफस्टेटर एक्सपेरिमेंट अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।